क्या बात है जी, ये देखें जी, ये वो एरिया है, ये क्रिस्टल सॉल्ट है, ये दुनिया में आप एक साइड के ऊपर नमक नमकीन है और दूसरी साइड के ऊपर मीठा है, ये आप प्रैक्टिकली खुद चेक कर सकते हैं, लेकिन शादीशुदा लोग ले सके। हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आप सबका। हमने इस्लामाबाद से गाड़ी सर्विस करवाई है, अब हम छोड़ा माइंस की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पर आपको हम कार दिखाते हैं, बहुत ही एशिया की सबसे बड़ी नमक की कार वहाँ पे मौजूद है, वहाँ पर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ओके जी, हम खेड़ा माइन देखने के लिए जा रहे हैं। हमारे आपको पहले इन्फॉर्म कर दिया था कि हम खेड़ा की तरफ जा रहे हैं, सामने वाली गाड़ी को हम फॉलो करते हुए जा रहे हैं, क्योंकि इनमें हमें जिन्होंने मतलब दिखाना है, एमडी से बात हो चुकी है जो खेड़ा की एमडी है, और ये हमारे साथ बंदे जो जा रहे हैं ये हमें दिखाएंगे, वहां पे सारा विजिट कराएंगे हमें, मतलब इतना सारा प्रोटोकॉल चले मिल ही गया है, और बाकी वहां पे जब विजिट करेंगे तो आपको जो जितनी भी हिस्ट्री है उसके बारे में या जो भी चीजें हैं वो दिखाएंगे, और वापस आके हम खाना वगैरह खाएंगे, और उसके बाद बाकी आगे चलते हैं और दिखाते हैं चीजें कि किस तरह होती हैं। ओके जी, ये शायद कोई टिकट वगैरह, आई डोंट नो कि ये किस किस्म की है, लेकिन हमसे नहीं ली गई, आपको बता चुके हैं, थोड़ा सा प्रोटोकॉल है। ये पीछे दो बच्चे बैठ के हंस रहे हैं क्योंकि मुझे नहीं आइडिया इस चीज का। हाँ जी भाई, क्यों हंस रहे हो दोनों, हमारे बताइए मेरा, क्यों हंसी आ रही है? हंसी नहीं आ रही, बट मजा आ रहा है। मतलब खुशी किस चीज की, ये खुशी आ रही है ऐसे आम जो जाती है वो प्रोटोकॉल के साथ नहीं जाती, ना उनको इतना देखने को मिलता है जी। हम अब जा रहे हैं, हमें प्रोटोकॉल मिलेगा, और हम जो आम जो लोग इतनी चीजें नहीं देख पाते, हम उनसे ज्यादा कुछ वो हमें अलग ही प्रोवाइड करेंगे, जो आम जहाँ तक उनके कहते पहुंच ही नहीं सकती, वो हमें ये लोग हमें वहां तक लेके जाएंगे कि हमें दिखाएंगे अंदर क्या क्या चीजें हैं, खेड़ा माइंस के अंदर कहाँ कहाँ पर जा सकते हैं। ओके जी, हम पार्किंग में लगाने लगे हैं अपनी गाड़ी को, और उसके बाद आगे देखते हैं। ओके जी, हम खेड़ा माइन की एंट्रेंस पर, और ये साथ में ट्रैक बना हुआ है, ये ट्रैक दिखा दो जरा, ट्रैक बना हुआ है, मतलब अंदर से जो भी नमक वगैरह सामान वगैरह होता है वहां से उसकी कटिंग होती है, कटिंग होने के बाद उसमें वापस आना होता है, मतलब ये बाहर जहां तक भी एक्सपोर्ट होना होता है। अभी आपको वो ट्रेन भी दिखा देते हैं छोटी सी, कि वो किस तरह होती है और किस किस किस्म का, मतलब छोटा सा एरिया होता है ना उसका, क्योंकि अंदर जाना इतनी बड़ी काम तो नहीं हो सकती। ये जी इनको दिखाएंगे किस तरह की। ये राइट साइड पे ट्रेन है जिससे ये अंदर लेके जाते हैं और बाहर लेके आते हैं, वैसे ये सैर करवाने के लिए, और इसी से आना जाना है मतलब होता है। ओके जी, ये ट्रेन का इंजन है जो कि कनेक्ट करता है और लेके जाता है बाकी पूरी ट्रेन को, लेकिन आपको बताया कि यहाँ पे शॉर्ट सर्किट का थोड़ा सा इशू, इस वजह से कि बारिश हुई है, अंदर नमी होती है और सारा इलेक्ट्रिक है सिस्टम, तो इस वजह से अंदर ट्रेन तो नहीं जा रही, हमें ये पैदल सफर करना पड़ेगा। ओके जी, सार्ट माइन के अंदर हम आ चुके हैं, और यहाँ पे हमारे पास आपको ट्रैक दिखा दिया हुआ है, ये एंड तक ट्रैक जाएगा,
हमाद यहाँ पे पिक्चर्स लेने में मसरूफ है बहुत ज्यादा। हमाद इधर जरा देखेगा, हाथ हिला दे। वैसे ये लंबा मतलब ये ट्रैक है जो कि एंड तक जाएगा और माइन में जिस तरह भी नमक वगैरह निकल रहा है या नमक की जिस तरह भी वो कटिंग वगैरह करते हैं वो भी आगे से आपको कुछ ना कुछ जो भी उसमें से मिलता है वो आपको दिखा दिया जाएगा। ट्रेन आपको दिखा दी है कि जो कि ट्रेन जाती थी। अभी कह रहे हैं कि यहाँ पे क्योंकि बारिश की वजह से यहाँ पे लाइट का सारा सिस्टम है और अंदर नमी होती है जिसकी वजह से कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह का इशू हो सकता है, तो इस वजह से ट्रेन नहीं चल रही आज, हमें सारा पैदल सफर करना पड़ेगा, लेकिन हम पैदल ही सफर करेंगे। उसके बाद चलते हैं आगे देखते हैं। ओके जी, गाइड की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से आसिफ चौहान और शानी साहब हमारे साथ मौजूद है जो हमें आगे बता भी देंगे। इनकी तबीयत भी ना साथ थी लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं कि जी आपके लिए इनका बहुत शुक्रिया इस वजह से कि ये हमारे साथ आ रहे हैं, हम हमारे साथ जा रहे हैं। अभी आपको बताया भी था कि नमी होगी अंदर और ये यहाँ पे देखें ये पानी यहाँ पे मौजूद है, लेकिन आगे चलते जाएंगे बाकी आगे देखेंगे। ओके जी, शानी साहब से हम इस चीज की ये काम की भी हिस्ट्री या जो भी इसके मुतालिक बताते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में पूछते हैं और ये हमें बताते हैं कि जी हाँ जी किस तरह है। जी सर, इस माइक के अंदर जो नमक है सबसे पहले तो आपको खेड़ा साल्ट माइंड में वेलकम। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। इस माइक के अंदर जो नमक है जी, इस नमक की जो दरियाफ्त है ये है 326 BC में। 326 BC है, मतलब ये वो एरिया है जहाँ पे जाएंगे बाद वो ठहरे हैं ये इस किस्म का। जी जी ठीक है, वो पत्थरों को चाटते हुए पाए जी, और जैसे ही पत्थरों को चाटते हुए वो काया हो तंदुरुस्त हो ठीक है, फौजियों को महसूस हुआ कि यहाँ पे कुछ ना कुछ नमक वाली चीज है। ठीक है, ये जो सात ट्रेन है जी ये दरिया झेलम से लेके डिस्ट्रिक्ट मियांवाली कालाबाग है। क्या बात है, ये कितना 300 किलोमीटर और ये दुनिया की ये दुनिया का दूसरा बड़ा खजाना है। दूसरा बड़ा खजाना है जो पहले नंबर के अंदर है वो है पोलैंड में। पोलैंड में ठीक है, पोलैंड के अंदर है क्राकू साल्ट माइन। सही है, रकबे और एरिया के लिहाज से पोलैंड वाली माइन दुनिया में सबसे बढ़िया। ठीक है, ये 8 से 30 किलोमीटर चौड़ाई में है जी, 300 किलोमीटर बैंक है। सही है, दरिया झेलम से लेके डिस्ट्रिक्ट मियांवाली कालाबाग है। सही है, और माइन के 17 लेवल है। 17 अलग अलग लेवल 17 लेवल 8 लेवल वो किस हिसाब से बने हुए हैं? सेम इसी तरह बने हुए, 5 ऊपर है ठीक है, छठा ये ग्राउंड फ्लोर है ठीक है, 11 लेवल इसके नीचे है। क्या बात है, मतलब जमीन के नीचे तक खुदाई की गई है जहाँ तक अभी जा रही है। 5 ऊपर ठीक है, छठा ये 11 इसके नीचे ठीक है, यहाँ से माइनिंग हो रही है। ठीक है, अभी हो रही है मतलब जारी है, हो रही है। अच्छा ये जो मतलब स्टार्ट हुआ था ये ऊपर वाले लेवल से स्टार्ट हुआ था, ये ग्राउंड से स्टार्ट किया था माइन या बाद में इसको बना दिया गया? माइन का जो सिस्टम है वो ऊपर से नीचे शुरू होता है। ठीक है, इसका फर्स्ट लेवल इसके ऊपर है। ठीक है, ये छठा है 17 जो 11 इसके नीचे है। सही है, यानी कि छठे के बाद 7वां 8वां 9वां 10वां 11। ठीक है, ओके जी, बाकी हम अंदर तक पहुंचते हैं। टनल से आप जा रहे हैं जी, अभी आप इसे गुजर रहे हैं जी जी। इस टनल की खुदाई 1872 में हुई, 1872 में स्टार्ट 1872। ठीक है, ये सिर्फ एक नमक तक पहुंचने के लिए रास्ता है। सही है, कि नमक तक आप पहुंच गए जी जी, उससे आगे नमक का सिलसिला शुरू हो जाता है 1.25 किलोमीटर के बाद। ठीक है, और माइन का टेम्परेचर सेम रहता है। टेम्परेचर सेम, अच्छा हमने एक चीज नोट की है, जैसे ही एंटर हुए हैं ना हवा ये क्रॉसिंग हो रही है। सर सर्दियों में माइन का टेम्परेचर सर्दियों में गर्म जी, गर्मियों में ठंडा है। क्या बात है, इसका टेम्परेचर सेम रहता है, मेंटेन रहता है, 18 डिग्री रहता है। माइन का टेम्परेचर सर्दियों गर्मियों में चेंज होता है लेकिन इसका चेंज नहीं। अच्छा ये सर्कुलेशन के लिए क्या बनाया गया, क्योंकि हवा वो फील हो रही है ना, सर्कुलेशन में फील हो रही है कि जी सर्कुलेट तो हो रही है। हो रही है सर, इसकी खास बात यह है कि इसके अंदर हाई और लो लेवल के ऊपर वेंटिलेशन बनाई गई। अच्छा अच्छा ठीक है, आप इसके हाई लेवल से हवा आ रही है। सही, ये आगे इसका हाई लेवल है। ठीक है, ये इसका लो लेवल है जहाँ से हवा बाहर जा रही है, क्रॉस हो रही है। अब जैसे ही 10वें महीने के बाद यानी कि अगला माह जैसे शुरू हो गया जी जी, ये वेंटिलेशन खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। ठीक है, कुदरत का खजाना है, करिश्मा है उसका, खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। वो साइंस वाली वो चीज है कि जी गर्म हवा वो जो है वो ऊपर उठना ये आप फिर वो आप सर्दियों में जब आएंगे ना जी, इसकी हवा अंदर से बाहर से अंदर की तरफ जाएगी। ठीक है,
तो जिसकी वजह से टेम्परेचर फिर वही रहेगा जी बिल्कुल। पानी के तालाब हाँ ये वो देख रहा था साइडों पे आप पानी देख ये पानी जा रहा है ये पानी का क्या सिस्टम है और ये वैसे बड़ा साफ क्वालिटी का पानी ये सर पानी है। इस पानी से वॉशिंग सोडा बनता है वॉशिंग सोडा ये हमारे साथ ही अभिजीत इंडस्ट्री है आईसीआई सोडा ठीक है वॉशिंग सोडा जो धोती सोडा बनाते हैं जी जी बिल्कुल ये वो पानी है। ये तकरीबन पानी के अंदर 100 के करीब तालाब 100 तालाब बने हुए। अच्छा तो इनकी जो सर्कुलेशन है ये पानी की मतलब ये सिर्फ उस वजह से कि सोडा है ना होता है वो सर नहीं असल में वेंटिलेशन जहाँ से हवा रही है ना जी वहां से जब बारिश होती है पानी भी आता है ठीक है और फिर पानी मुख्तलिफ तालाबों में चला जाता है साइडर पेपर तकरीबन 100 के करीब ठीक है और स्टैंडफिट से लेके 100 तक गहरे भी हैं जी जी। और इन तालाबों की खास बात यह है कि इनके अंदर अगर खुदाना खासा कोई गिर जाए जी तो रुकता नहीं क्योंकि वो डेंसिटी पानी की डेंसिटी की वजह से 2.6 है। क्या बात है ये हमारा वो जो डेड सी जो रेड सी कहते हैं ये वही है ठीक है रेड सी वाला इसी में इसके अंदर इंसान डूबता नहीं है ठीक है ऊपर फ्लोट करता है ठीक है। क्या बात है जी अल्लाह ताला की कुदरत है ये खजानी है कुदरत है सिर्फ इंसान ना शुक्रा बेशक क्योंकि हम लोग ना शुक्र क्योंकि अल्लाह ने कुरान में जिस दिन फरमाया कि इंसान घाटे में बेशक और वाकई ही हम घाटे में ऐसे ही है हम बस दुनिया में तो जितनी चीजें मिलती रहेंगी हम तो उसके लिए और करते हैं ना और मिले बस ये बात। ओके अच्छा ये दिन में या सीजन जो भी है कितने विजिटर्स यहाँ पे आके विजिट करते हैं इसको? असल में आजकल कोरोना का जी वो चल रहा है कोरोना के बाद थोड़ा सा काम स्लो है ठीक है तो उस हिसाब से तकरीबन हमारे पास 500 से 600 लोग आ जाते हैं डेली बेसिस पे हम तो मैं चाह रहा हूँ आपको बताते हैं हिस्ट्री है क्योंकि मेरी एक आदत है कि जिसको विजिट करो दिल से करो नहीं तो बारिश ही ना हवा ये इसके अंदर जो आप टनल देख रहे हैं ये टनल है सिखों के पीरियड ठीक है जब सिख आए थे 1809 में ठीक है 326 बीसी में दरिया 1500 में सबसे पहले माइनिंग ठीक है 1809 में सिख आए थे 1849 में ब्रिटिश और पोर्टेशन के बाद आप सही है ये टनल था सिखों के पीरियड का सही है क्योंकि यहाँ तक ब्रिटिश आए ये टनल उस वक्त बनाया गया था 1815 में सही है यहाँ से वो लोग अंदर आए थे फिर इसी तरफ चले गए। ओके यहाँ ये ब्रिटिश ने किया ये ब्रिटिश का है मतलब उन्होंने ग्राउंड से यहाँ तक लेके आए ठीक है और इसकी खास बात यह है कि इसके अंदर कोई सीमेंट वगैरह नहीं है क्योंकि थोड़ा सा क्लोज करेंगे ना क्लोज जरा दिखाइए इसके अंदर आपको माश की दाल यूज नजर आएगी। अच्छा अच्छा ये हमने वो शाही किला की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था तो वही वो सिखों ने इसके अंदर माश की दाल यूज की है ठीक है और कम अज कम भी इस दीवार की मोटाई 5 फीट के करीब है और इसी वजह से ये निकलती है वो चिकनाइट वाली होती है उसको बिल्कुल पकड़ लेती है और आज तक ये देखने खड़े बिल्कुल अच्छा ये जो ट्रैक बना हुआ है ये कितना लंबा जाता है ये ट्रैक बनाया गया था 1916 में ठीक है नमक को निकालने के लिए एक सिस्टम बनाया गया था अंग्रेज ने ठीक है ये अंग्रेजों ने बिछाया था ठीक है नमक तक पहुंचने के लिए एक रास्ता है सही है क्योंकि उससे पहले नमक जो है वो गधों के साथ या अपने सर के ऊपर लेके बाहर आते थे ठीक है या दूसरे रास्ते से बना कचरों से भी नमक निकलता रहा है मेहनत माइन के अंदर यहाँ से हैमरिंग के साथ भी नमक की खुदाई हुई है तो अब इस चीज से अब नमक निकालते हैं कंट्रोल ब्लास्ट। अच्छा ठीक है कंट्रोल होता है जो ब्रिटिश आया था जी बारूद का सिस्टम ब्रिटिश ले गया अच्छा यहाँ से अब ये वो नजर ये मेल्ट हो रहा है नमक खुद ब खुद ये नमक के ड्रॉप्स गिर रहे हैं ठीक है नमक खुद ब खुद नमी की वजह से मेल्ट हो रहे हैं और यहां से नमक शुरू हो गया ठीक है ये देखिए थोड़ा सा इस अंदर इसके अंदर साल्ट है व्हाइट जिसके अंदर है सोडियम क्लोराइड जी ठीक है व्हाइट सॉल्ट है ऐसे ही इसके अंदर पिंक सॉल्ट है ठीक है इसके अंदर है मैग्नीशियम ठीक है इसके अंदर रेड सॉल्ट है जिसके अंदर है आयरन
क्या बात है, अल्लाह ने एक ही पत्थर एक है देखें, और लेकिन अल्लाह ने एक ही पत्थर के अंदर तीनों कलर का नमक रखा हुआ है। क्या बात है, इस चीज को देख के दिल में सिर्फ सूरह रहमान याद आती है, अभी मेरे बिल्कुल माइंड में यही आई है। तुम अपने पर परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत झुटला गए, बेशक जबरदस्त। तो वेलकम टू चांदनी चौक, लेकिन सर लाइव चली जाए तो फिर अंधेरा चौक मस्त जोक मारा रे ये हंस रहा। ठीक है जी, मीनार पाकिस्तान क्रिस्टल पैलेस शीश महल पानी के तालाब उसी तरह। ठीक है सर, ये इसके अंदर है हॉस्पिटल। ठीक है, जिन लोगों को डस्ट एलर्जी होती है या सांस का प्रॉब्लम होता है जी, उन पेशेंट को हम एक हफ्ते के लिए माइंड के अंदर रखते हैं। ओके, क्योंकि ये नमक जितना हीट अप होता है इससे वो रेज निकलती है जिससे सांस का प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। लेकिन रश और गैदरिंग की वजह से हॉस्पिटल अब इसके 5/11 के ऊपर है। अच्छा, इसका ऊपर वाला शिफ्टिंग कर दी गई जी। और 50% नमक छोड़ देते हैं पहाड़ की मजबूती के लिए, ताकि पहाड़ का जो प्रेशर है वो इस चीज के ऊपर बरकरार रहे। माइन जो है ये नीचे क्लैश ना हो, रूम एंड पिलर, रूम के नीचे रूम है, रूम के सामने रूम है, ये पिलर है, पिलर के सामने पिलर है, इसी तरह पिलर के नीचे पिलर, ये इसका मेथड है, रूम एंड पिलर। ठीक है, माइनिंग इसी तरह हो। ये तालाब बना हुआ है जिसका आपने जिक्र किया था, ये पानी का तालाब है। ठीक है, इस तालाब की गहराई है 40 फीट है, 40 फीट गहरा है। ठीक है, इस पानी के अंदर इंसान डूबता नहीं है। ठीक है, ऊपर फ्लोट करता है। ठीक है, इस तालाब की गहराई है 40 फीट है, 40 फीट गहरा है। सही है, और ट्राई करने में हर्ज नहीं है, ट्राई भी कर सकते हैं। हाँ जी, करना ही है जी। अगर आप में से कोई भी आगे इसको ट्राई करता है ना तो उसकी वीडियो हमें जरूर भेजनी है। वैसे इसका डेंसिटी के बारे में बता दिया गया है हमारे, क्योंकि हमने वो चेंजिंग वगैरह करनी है तो इतना करना पड़ेगा वहां पे जाने के लिए, तो हमने आपको आगे भी दिखाना है। याद तो आइडिया का फिर हम तैयार हो गया, बिल्कुल हाँ, आइडिया होता तो जरूर करके आते हम। याद तो आपको आगे का दिखा दे सकते हैं सारा कुछ, या आपको यहाँ पे ट्राई दिलवा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आगे ज्यादा देखना बेहतर है, जैसी है बहुत ज्यादा है, आगे चलते वहां पे देखते हैं। खड़ा है पूरी माइंड का सबसे गहरा है, इसकी आप लोग नमक के ऊपर चल रहे हैं, जिसके ऊपर आप लोग चल रहे हैं जी जी, ये नमक है। ठीक है, दाएं बाएं ऊपर नीचे, ये सिर्फ मिट्टी की वजह से थोड़ा सा मिट्टी की वजह से है सर। रोजाना नमक हमारे पेट में गर्दिश करता है जी, इस वक्त हम लोग नमक के पेट में गर्दिश कर रहे हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे, नमक ही नमक है और नमक के ऊपर आप लोग चल रहे हैं। सर इस माइन के अंदर जो माइनर है ये 684 है, 684 माइनर, ये 7 जनरेशन से माइन के अंदर काम कर रहे हैं, नसल दर नसल से नसल दर नसल। अच्छा, यानी कि बाप दादा से यही लोग माइन के अंदर काम कर रहे हैं, बाप रिटायर हो गया फिर उसका बेटा, ये एक सिस्टम है। तो ये इनको एज दिया गया इस चीज का या क्या रखी गई? ये लोग जितना नमक निकालेंगे गवर्नमेंट इतने पैसे देती है फी टर्न का, गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट है, एक एग्रीमेंट है कि ये लोग जितना नमक निकालेंगे जी। 684 वो है और 400 के करीब हमारे पास स्टाफ है, माइंड के अंदर सेफ्टी है, वैसे पूरे ऑफिसर है वो तकरीबन 1000 बन जाते हैं। ओके, तो 1200 से 1500 टन हम रोजाना नमक निकाल रहे हैं पर डे, पर डे के हिसाब से। और ये इसका सी लेवल है, अभी आप लोग ग्राउंड लेवल पे खड़े हैं, 942
ठीक है। और इस वक्त आप लोग 2500 फीट पहाड़ के नीचे हैं, आपके ऊपर जो हाइट है ना पहाड़ की थिकनेस है वो तकरीबन 2500 फीट है, ठीक है, और 2 किलोमीटर आप माइन के अंदर आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर किसी किस्म की सफोकेशन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, फ्रेश हवा है, ताजा हवा है, ऐसे ही है। अच्छा ये नंबर का क्या मकसद है? चैम्बर नंबर है हमारे पास, किसी तरह होटल के रूम का नंबर तो ये चैम्बर नंबर है कि आपको ये वाला चैम्बर अलाट है, वो उसको वो अलाट है, उसने वहां पे काम करना है, ठीक है। तो ये बजाय इसके कि वो जहाँ पे मर्जी काम करे, जी जी, वो अलाटमेंट रजिस्टर होता है उसके ऊपर इसकी अलाटमेंट होती है कि आपको फलाना चैम्बर अलाट है, ये वहां पे काम करना है। ये इसके अंदर हैमरिंग की खुदाई है, ये आप निशान देख ले, जी जी बिल्कुल, हैमर के निशान अभी मौजूद है साइडों के ऊपर, ठीक है। ये सारी हैमरिंग की खुदाई है और आज तक बकरा। इससे आगे 1.5 किलोमीटर बैठी गई है जहां से माइनिंग अभी भी हो रही है। ओके जी, उधर जरा दिखाएंगे वो सारे माइनर्स हैं, ये सारा वो एरिया है। ओके जी, ये सारा वो एरिया है जहाँ पे माइनिंग अभी हो रही है, ये जो जितना पीछे हमने एरिया देख चुके हैं, जितना भी हमें एरिया नजर आ गया है, ये वाला सारा वो एरिया था जहाँ पे माइनिंग कंप्लीट कर ली है और वो जगह छोड़ दी है ताकि ये पहाड़ का जो हमारे ऊपर बना हुआ है ये बरकरार रह सके, इसका जितना भी एरिया है उसको बराबर रखा जा सके। अभी आगे जितना भी एरिया है यहाँ पे नो एंट्री का बोर्ड भी लगा हुआ है, हम आगे नहीं जा सकते, माइनिंग हो रही है यहाँ पे, अलाउ नहीं है। तो बाकी इनका जो निकालने का है वो सिस्टम सारा अलग है, यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। ये माइनर्स आ रहे हैं यहाँ से काम करने के बाद और मतलब इनका टाइम कम्प्लीट हो चुका है जी, ये आप लोग अपनी मर्जी के मालिक हैं, जितना नमक निकालें जी, एक ट्राली निकालें, दो निकालें, तीन निकालें, ठीक है जी, ठीक है, सही। आप लोग जितनी भी पिक्चर लेंगे वो नमकीन आएंगे क्या बात है। ओके जी, यहाँ पे भी हमें इन्होंने बताया कि इसका जो नाम रखा गया इस रोड का, पहले हमने चांदनी चौक की आपको सैर करा दी है, यहाँ पे नमक का माल रोड है और इनके कहने के मुताबिक यहाँ पे जितनी भी पिक्चर्स आएंगी वो सारी नमकीन होंगी। अभी हम पिक्चर ले रहे हैं, ये हम लेने भी लगे हैं कुछ पिक्चर्स, देखते हैं कि कितनी नमकीन आती हैं, ध्यान से भाई नमक में ना गिर जाएगा। एक जगह पे लगाएंगे तो आप लोगों को आगे नहीं दिखा सकेंगे और टाइमिंग भी क्योंकि है तो हमें उस चीज में उतने टाइम में ये चीजें कवर भी करनी है। आगे चलते हैं, आगे दिखाते हैं, ये आगे भी एक और पॉइंट आ गया जहाँ पे मेल्टिंग हो रही है, यहाँ से अभी भी सौ की मेल्टिंग चल रही है, होता जा रहा है। ओके जी, ये आपको लग पानी रहा है लेकिन इसके साथ सॉल्ट भी आ रहा है, और अगर सॉल्ट आ रहा है तो ये जैसे ही पानी थोड़ा सा साइड पे होगा तो ये मतलब आपको सॉल्ट की फॉर्म में नजर आना शुरू हो जाएगा।
ओके जी, मीनारे पाकिस्तान के करीब आ चुके हैं, लेकिन इस लाहौर में मीनारे पाकिस्तान के ऊपर जाना मना है। यहाँ पे भी दिखा गया है कि जी इसके ऊपर जाना भी मना है, क्योंकि यहाँ पे मीनारे पाकिस्तान के ऊपर जाएंगे ना बहुत से हालातों वाकियात आपके साथ पेश आ सकते हैं। जैसे ना हम जा रहे हैं ना हम आपको अलाउ करेंगे कि आप जाएं। जाने लगे डाउन लेवल पे जहाँ पे क्रिस्टल सॉल्ट मौजूद है, और ये इस पूरी जितना भी एरिया ये इसका दिल है। अभी आपको नीचे लेके जाएंगे वो आपको पता चल जाएगा कि कैसे। अभी लाइट्स वगैरह ऑन हो चुकी हैं, आगे लेके चलते हैं आपको आगे दिखाते हैं कि अभी हम ये नीचे जा रहे हैं डाउन में जा रहे हैं। अगर कैमरे की वजह से आपको नहीं भी नजर आ रहा तो हम आपको बता देते हैं कि हम डाउन में जा रहे हैं। ओके जी, अपने दिलों को थाम लीजिए क्योंकि अभी आपको जो चीज दिखाने वाले हैं वो शायद ही इंटरनेट पर मौजूद हो। लोगों ने कहा है कि जी दुनिया में 7 अजूबे हैं, अभी जो आपको दिखाने वाले हैं वो दुनिया का 8वां अजूबा आने वाला है। क्या बात है जी, ये देखिए जी, ये वो एरिया है, ये क्रिस्टल सॉल्ट है, ये दुनिया में आप लोगों को ये देखें, ये यहाँ पे भी ये ओपन करवाई है। इनका बहुत शुक्रिया, पहली बात तो ये जी इन्होंने हमारे लिए ये इतना कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे ये ज्यादा ओपन नहीं रखते, इसको ओपन बिल्कुल नहीं करते, उसकी कुछ वजूहात हैं, क्रिस्टल तोड़ लेते हैं क्योंकि लोग यहाँ से क्रिस्टल इसको तोड़ लेते हैं, और फिर जाहिर बात है इसकी खूबसूरती में भी फर्क आएगा, खूबसूरती के अलावा इसकी जो बेस बनी हुई है उसमें भी फर्क आ जाएगा। ओके जी, ये क्रिस्टल बन गए हैं, ये क्रिस्टल सॉल्ट इसे इस वजह से कहते हैं कि इसके क्रिस्टल्स बनते हैं। और अभी आपको अगर ये देखें, ये बीच में आपको चमक नजर आ रही है कैमरे की वजह से भी, लाइट थोड़ी होने की वजह से ये चमक ज्यादा नजर आ रही है, और ये सारे जितने भी क्रिस्टल्स हैं इस वजह से इसको क्रिस्टल सॉल्ट कहा जाता है। आगे हम नहीं जा सकते क्योंकि आगे पानी भी है, और आगे इसकी माइनिंग भी जारी है आगे। वेंटिलेशन के लिए बनाया गया है, और यहाँ से जितनी भी वेंटिलेशन हो रही है माइन में, इस तरह इस किस्म के बहुत सारे ये पॉइंट्स बनाए गए हैं जहां से वेंटिलेशन हो रही होती है। और ये इस तरह इसलिए बनाया गया है कि जब बारिश होती है तो पानी भी आता है, और जब ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी भी आता है। ये प्रॉपर पॉइंट बनाया गया है ताकि ज्यादा बारिश होगी तो उसके लिए सैलाब नहीं आए, बल्कि ज्यादा बारिश और ज्यादा पानी होने की वजह से इसकी आउटपुट बाहर जा सके। ओके जी, ये साल्ट माइन के मतनथिया के लिए, और दूसरी तरफ से अयूबिया है, आ जाए दिखाते हैं आपको नथिया गली और अयूबिया की सैर यहीं से करा देते हैं। अपने अपने सरों को बचा के आइएगा। ओके जी, यहां तक पॉइंट्स, और उसके बाद यहाँ पे हमने आउट करना है। ये आप लोगों को यूपी और नथिया गली की हमने सैर करा दी है, बाकी हम सर अपना बचा ही रहे हैं, क्योंकि ऊपर आप अगर देखें तो नमी की वजह से हमारे सर नमकीन हो सकते हैं, तो हम इस चीज से भी बच रहे हैं। ओके जी, ये जो आप देख रहे हैं ये दाएं बाएं ऊपर नीचे जितना भी ये नमक है ये सब खाने वाला नमक है, और यहाँ पे इसकी हिस्ट्री या इसके बारे में ये है, अभी आपको जो सामने नजर आ रहा है ये एक पुल है जो कि बना हुआ है, और ये नमक का बना हुआ है, और ये वाहिद दुनिया का वाहिद पुल है जो बगैर किसी सपोर्ट के बना हुआ है।
आगे आपको दिखा देते हैं ये सॉन्ग है और ये आगे पीछे दाएं बाएं भी आपको ये खूबसूरत सा नजर आ रहा होगा। अगर आपको अभी किसी से शॉर्ट मुकम्मल दिखाते हैं उसमें आपको बता दिया जाएगा, आगे आगे दिखा देते हैं कम्प्लीट उसका मायना होता है। यहाँ पे मैं जिस पुली के ऊपर खड़ा हूँ ये बिल्कुल शॉर्ट है और इसके नीचे कोई सपोर्ट नहीं है। अभी यहाँ पे आवाज थोड़ी गूंज रही है, पता नहीं ये कैमरे में किस तरह सुनाई दे रही है, पर ये जो तालाब बना हुआ है ये 50 फीट गहरा है। सर ये जो आपके सामने साफ़ मुलायम दीवार है आप इनको हाथ लगा कर देखिए, टच करके देखिए, तो हमारे पास जो कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आते हैं उनको आप कहते हैं कि जो भी इस दीवार का टेस्ट करेगा उसकी उम्र 1 साल बढ़ेगी। इस दीवार का नाम है दीवारे चीन और दूसरी साइड के ऊपर है दीवारे मोहब्बत। दीवारे मोहब्बत का टेस्ट करेंगे मोहब्बत बढ़ेगी लेकिन उम्र 2 साल कम होगी। ठीक है, एक साइड के ऊपर नमक नमकीन है और दूसरी साइड के ऊपर मीठा है, ये आप प्रैक्टिकली खुद चेक कर सकते हैं लेकिन शादीशुदा लोग ले सके। देखिए सर किसकी उम्र कम है किसकी ज्यादा है ये तो अल्लाह का है, बेशक किसने जन्नत में जाना है किसने दोजख में जाना है ये तो अमाल के सौदे हैं। असल में जो नमक होता है ये नमकीन नहीं होता है, मीठा नहीं होता। जो हमारे पास कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आते हैं जी उनसे हमने चटवा चटवा कर साफ हो गए। जी ये आप लोगों के लिए ये बता दी गई है बात, ये शायद इसके बाद कोई ना करे लेकिन ये भी बड़ी खूबसूरत हो चुकी है, इसने जितना खूबसूरत होना था ये हो चुकी है, जिन्होंने जो जो करना था वो कर चुके हैं। वहां पे तो बड़ी खूबसूरत सी जगह बना दी गई है। आप में से वो जो ये बात सुन चुके हैं वो तो नहीं करेंगे लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे ये जो बात नहीं सुनेंगे, उनके लिए हमने ये दीवार रखवा दी हुई है और जैसे वो यहाँ पे आएंगे उनसे ये भी करवाया जाएगा, इसकी भी सफाई कराई जाएगी। ओके जी, ये जो तालाब अभी आपको नजर आ रहा है इसकी जो लंबाई है वो ये 160 फीट है और जो गहराई है वो 80 फीट है। यहाँ पे क्योंकि जो अंदर नजर आ रहा है ये ऊपर वाला रिफ्लेक्शन है लेकिन उसके लिए कि कितना गहरा है इसको प्रूव करने के लिए अभी आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं, बताते हैं कि जिसकी गहराई 80 फीट ही है। आ जाए के जी, ये अभी भी नीचे जा रहा है, ये अभी सेटल नहीं हुआ, ये जहाँ पे जाके सेटल होगा वो उसका बेस होगा। और ये देखें जी यहाँ पे जाके अभी ये अभी इसकी सेटलमेंट हो गई है और यहाँ पे इसका बेस है। ये जो अभी आपको नजर आ रही है ये ड्रॉप्स गिर रहे हैं और ये क्योंकि बताया था नमी होती है यहाँ पे रहती है, इसी वजह से ये पानी के तालाब भी बनाए गए हैं कि पानी कहाँ पे जमा होना चाहिए। तो ये ड्रॉप्स आपको बीच में वीडियो में भी नज़र आ रहे हैं, ये ऊपर से ड्रॉप्स गिर रहे हैं नीचे और ये पानी जमा होता जा रहा है और ये इसी तरह जमा होता है। और ये इसकी छत के ऊपर अल्लाह का नाम लिखा हुआ है, नमक मिल चुके खुद ब खुद। ये इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी लिखा हुआ है, मीम ये नीचे है मीम और ये दाल। क्या बात, ओके जी, एट द एंड स्पेशल थैंक्स टू आसिफ चौहान साहब और शानी साहब के जिन्होंने इतना अच्छा गाइड किया और दीवार मोहब्बत के बारे में भी हमें अच्छी तरह बता दिया, शुक्रिया सर इसके लिए बहुत बहुत। अभी यहाँ पे हमारे ऊपर भी पानी गिर रहा है तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं। ओके जी, यहाँ तक हमारा जो ट्रिप था आज का ये जो भी आपका विजिट था यहाँ पे शाम को फिर होता है। बाकी बहुत शुक्रिया सर कि आपने इतना अच्छा गाइड भी किया और इतना अच्छा बताया भी। उम्मीद है आपको आज की डॉक्यूमेंट्री पसंद आई होगी क्योंकि हमने बहुत सी मेहनत की है इसमें और इंशाल्लाह हम इसी तरह मेहनत करते रहेंगे।
अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई है तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको कश्मीर के व्लॉग्स जो हमने डालने हैं अपने YouTube चैनल पे उसकी आपको नोटिफिकेशंस आए और आप जल्दी से हमारे कश्मीर का टूर देख पाएं और इंशाल्लाह आपको जल्द मिलते हैं। खुदा हाफिज़।